And it's a super exclusive here on India Today. Mayawati's nephew speaks out for the first time. Mayawati's nephew and BSP heir apparent Akash Anand has spoken to India Today on BSP's poll prospects and also the Dalit factor in the elections. This is a mega India Today exclusive. A dark horse, a kingmaker, or and also ran. Mayawati's reclusive heir apparent, first time on television. Akash Anand speaks to India Today. 2024 के इस चुनाव में अगर कोई उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा इंटरव्यू है तो वो है आकाश आनंद का। जी हां, आकाश आनंद मायावती के बीएसपी के वारिस और बीएसपी के नंबर टू नेता आकाश आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं और इस खास इंटरव्यू में आज हम समझेंगे कि बीएसपी को लेकर जो नया नेतृत्व है या यूं कहें जो आगे का नेतृत्व है वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है। हमारे साथ हैं आकाश आनंद, स्वागत है आकाश जी आपका। जय भीम। जय भीम। तो आकाश जी, एक बात आपसे ऐसे शुरू करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस वक्त चल रहा है तो मैंने देखा कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे जी अभी तक जी, लेकिन पहली बार है जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे जी। आपने कई सभाएं कर ली जी। आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या खास है आपकी नजर से? देखिए, आज तक बहन जी ने हमें बाहर की जिम्मेदारी दी थी, यूपी से बाहर की जिम्मेदारी दी। ये सारा का सारा समय जो है ट्रेनिंग में गया है, समझने के लिए कि पार्टी में काम चलता कैसे है, ज़मीनी स्तर पे कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ पर हमारे लोगों को तकलीफ आ रही है पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो ये जो ट्रेनिंग का समय निकला उससे काफ़ी चीज़ समझ में आई है और अब इलेक्शन के दौरान एंट्री हुई है यूपी में। एंड आई थिंक अभी जो समय है वो सिर्फ अपने मूवमेंट, अपनी पार्टी, अपने बहन जी के काम को बताने का समय है। काम तो अब इलेक्शन के बाद हमें करने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा अभी फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सब कुछ सीखने को मिला है जो बाहर से अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी लेकिन कहा ये जा रहा था कि अगर देखें तो बीएसपी खत्म हो रही है, बीएसपी का जो जनाधार है वो घट रहा है, बीएसपी का जो वोट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है, सीटें बिल्कुल कम हो गई, विधानसभा में एक सीट। इस तरीके से अगर जवाब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सचमुच पार्टी बहुत मुश्किल में है, बीएसपी खत्म होने की स्थिति में आ गई? देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, एक मिशन है जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। तो ये 5-7 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। पॉलिटिकली अगर हमारी सीटें कम या ज़्यादा आती हैं, हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वॉइस पे, हमारे पार्लियामेंट्री उस पे। बट आई फील दैट कि अगर थोड़ा सा काम में करेक्शन का ज़रूरत है, एंड आई थिंक आने वाले 5-7 सालों में आप बीएसपी को वहाँ देखेंगे जहाँ पे बीएसपी कुछ साल पहले हुआ करती थी।